हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी। स्टूडेंट्स, बच्चों, लास्ट लेक्चर्स में हमने इनवर्स का इस्तेमाल करके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को देखा है, और आज का जो सेशन है बच्चों वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम एक अलग मेथड देखने वाले हैं जिसमें इनवर्स का इस्तेमाल करना है, इनवर्स ढूंढना है। आई मीन टू से क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आपको कभी भी कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए, ऐसे ऑलमोस्ट 3-4 सम ही है, तो मैट्रिक्स दिया है, हमें ये प्रूव करना है। ऐसा प्रूव करने वाला हिस्सा हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं मल्टीप्लीकेशन वाले हिस्से में, मगर उसके बाद नया हिस्सा जो है वो है ये, हैंड्स ऑप्टेन ए इनवर्स। यानी आपको एडजॉइंट नहीं फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड करना है, बाय यूजिंग द गिवन इक्वेशन वी विल ऑप्टेन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब वो कैसे करना है, तो उसके लिए थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा बच्चों। पहले हम ये प्रूव करते हैं, फिर आपको मैं बताऊंगा कैसे ढूंढा जाता है इनवर्स बाय यूजिंग द इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2y इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो पहला स्टेप होगा ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, यानी a इंटू ए मल्टीप्लीकेशन टू इट्सेल्फ। सो 1, 2, 3, 4 इज मल्टीप्लाइड टू इट्सेल्फ। तो मौका मिल रहा है हमें वापस रिवाइज करने का मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस को। तो रो विथ कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाइज, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकेंड विद सेकेंड यानी 6, फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट 2, सेकेंड विद सेकेंड 4, 2 जा 8। अब सेकेंड रो लेंगे फर्स्ट कॉलम से, 3 × 1 यानी 3, 4 × 3 जा यानी 12, 3 × 2 यानी 6, 4 × 4 यानी 16। तो हमें मिल गया हमारा मैट्रिक्स ए स्क्वायर 7, 10, 15 एंड 22। प्रूव करने में कोई कष्ट नहीं है, नया हिस्सा यही है मेन हमारा ए इनवर्स, कभी कभी पूछा भी गया है ये। अब हमें सीधा जाना है लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमें जीरो प्रूव करना है, जीरो मैट्रिक्स प्रूव करना है, रादर दिस इज नल मैट्रिक्स। सो ए स्क्वायर रख देते हैं 7, 10, 15, 22, 5 टाइम्स ए, यानी बच्चों हमें पता है मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर और बाय अ कॉन्स्टेंट आई। अब आपको यहाँ पे यूज करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है, अगर 2x2 का मैट्रिक्स दिया जाए बच्चों हमें, तो आई यानी हम लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2x2। 3x3 वाला मैट्रिक्स दिया गया है तो वहां पे हम यूज करेंगे 3x3 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2 मल्टीप्लाई करेंगे आई के साथ, 5 ए के साथ, फिर 0 लाना है, आई मीन 0 आना चाहिए, चेक करना है हमें वही तो। सॉरी, 7, 10, 15, 22, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 10, 15 एंड 20, एंड देन बन जाएगा ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स। प्लस माइनस करना है, सिंपली हम ये माइनस करेंगे पहले मैट्रिक्स में से, बाकी को दो को हम माइनस करने वाले हैं, सीधा एक ही स्टेप में प्रोसेस पूरी करेंगे। 7 - 5 - 2, वी वॉन्ट 0 एंड वी विल गेट इट। 10 - 10 - 0, देन 15 - 15 - 0, देन 22 - 20 - 2, सो दिस इज नथिंग बट 0, 0, 0, 0, जिसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम प्रूव करते हैं तब हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड हेंस हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो चुका है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ प्रॉपर्टीज है, वो हम यूज करेंगे इन्वर्जन ऑफ अ मैट्रिक्स की। बच्चों आपको याद रखना है, जैसे नंबर सिस्टम में होता था 5 × 1 = 5, वैसे ही मैट्रिक्स सिस्टम में आई के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों कहा जाता है बच्चों? कोई भी एलिमेंट यहाँ पे 1 को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर सिस्टम में, क्योंकि उसके साथ कोई भी मल्टीप्लाई करो वापस वही मिलता है। उसी तरह से आई के साथ कोई भी मैट्रिक्स बच्चों आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा, चाहे वो ए इंटू आई हो, चाहे वो बी इंटू आई हो, चाहे वो कभी ए इनवर्स इंटू आई हो, तो भी क्या मिलेगा ए इनवर्स। यानी आई के साथ जब भी कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे हम बच्चों, तो हमें वापस क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स। एंड वैसे ये कॉन्सेप्ट है 5 के साथ, अगर आप उसका इनवर्स एलिमेंट 1/5 मल्टीप्लाई करते हो, 5 × 1/5, तो वापस हमें आउटपुट या आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से कोई भी मैट्रिक्स के साथ उसका इनवर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो इन आइदर वेज,
तो हमें वापस मिलेगा आई। एंड वैसे ये कॉन्सेप्ट तो हमें पता ही है, वी नो दैट बाय डेफिनेशन इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई देन बी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो आप बी की जगह पे ए इनवर्स रख सकते हो। दैट इज, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये दो तीन पॉइंट्स है बच्चों जो हमें यूज करने हैं अब इस सेशन में। यानी आप ऐसे याद रखोगे, कोई भी मैट्रिक्स के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही मैट्रिक्स मिलेगा। पॉइंट नंबर वन, ये खास हमें याद रखना है। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे इन आइदर साइड तो आपको आई मिलेगा। ठीक है, अब ये क्यों कर रहे हैं हम, हमें इस्तेमाल करना है हमारे इस इक्वेशन को इनवर्स फाइंड करना है। जब भी ऐसा बोला जाए हैंड्स ऑप्टेन ए इनवर्स, यानी इस इक्वेशन के ऊपर से ऐसा माना जाता है। इक्वेशन ना दिया जाए तो आप रेगुलर फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करो, नॉट जीरो हो तो इनवर्स एग्जिस्ट, एडजॉइंट डू डो, एडजॉइंट एंड डिटरमिनेंट का रेशियो, आई मीन वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट करोगे तो इनवर्स मिलेगा। बट इस सब में वो फॉर्मेट करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है हैंड्स ऑप्टेन, यानी इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। तो आप क्या करेंगे, क्या आपको इस इक्वेशन में ए इनवर्स दिख रहा है, नेचुरली नहीं, कैसे भी करके यहाँ पे इस इक्वेशन में ए इनवर्स हमको लाना है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, विल यूज मैथमेटिक्स। हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स दोनों साइड, मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड्स यानी लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करते हैं, एंड एज वी नो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर, अगर आप कोई भी नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही मिलेगा, वैसे ही ए इनवर्स को अगर आप जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो ही मिलने वाला है, उसमें तो कोई डाउट होता नहीं बच्चों। ठीक है, तो राइट साइड वाला तो विदाउट एनी हेजिटेशन है। लेफ्ट साइड पे हम स्प्लिट करते हैं, एक्सपांड करते हैं, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस फाइव, फाइव में पहले लिख रहा हूँ कॉन्स्टेंट, ए इनवर्स को अंदर लिख रहा हूँ, ए इनवर्स इंटू ए माइनस टू को मैं पहले लिख रहा हूँ, ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू जीरो। अभी अभी कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की है, जैसे कि ए इनवर्स इंटू आई यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे ए इनवर्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो ए इनवर्स इंटू ए, जिसमें हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं उसे हम कहेंगे सिंपली आई। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे पहला हिस्सा है उसे थोड़ा सा मैं अलग कर रहा हूँ, ए स्क्वायर, यानी उसे हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, बट एक ए को मैं इसके साथ ग्रुप कर रहा हूँ, एंड बाकी जो काम है वो आप ग्रुप में लिख के हम सब कंप्लीट करेंगे। सो ए इनवर्स इंटू ए तो उसे हम कहेंगे आई, फाइव इंटू ए इनवर्स इंटू ए उसे भी हम कहेंगे आई, ए इनवर्स इंटू आई को हम कहेंगे ए इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो रिजल्ट यूज किया है बच्चों वो ब्रैकेट में हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, आपको आपके ब्रैकेट में यहाँ पे राइट साइड में लिखना है। सो ए इनवर्स इंटू ए हमने यूज किया आई, देन ए इनवर्स इंटू आई हमने यूज किया ए इनवर्स। तो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है बच्चों, उसी हिसाब से हमें काम करना है। फाइनली एक और पॉइंट है, अभी भी आप देख सकते हो आई इंटू ए है, दो मैट्राइसिस हैं यहाँ पे, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए यानी हमारा मैट्रिक्स, तो इसका आंसर भी आएगा ए। अब आप यहाँ पे सोचोगे 5 इंटू आई, तो 5 इंटू आई में 5 इज नॉट अ मैट्रिक्स, 5 इज अ नंबर, तो इसमें खास ध्यान रखना है 5 इंटू आई को खाली 5 मत लिखना। ठीक है, तो ए माइनस 5 आई होगा। बाकी अब इक्वेशन के अंदर हमारे पास पहले जो इनवर्स यहाँ पे नहीं दिख रहा था वो अब यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो आपके रेफरेंस के लिए पहली बार इसे मैं लिख रहा हूँ आई इंटू ए, हम लिखेंगे ए। ठीक है, 5 इंटू आई मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्राइसिस होना चाहिए। ठीक है, 5 के साथ आई है इसलिए 5 नहीं लिखेंगे, ये खास ध्यान रखना है। अब हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, हमें इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ढूंढना है, तो इनवर्स को यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, अब ये माइनस है तो मैं शिफ्ट कर दूंगा राइट साइड पे ताकि प्रोसेस ईजी हो पाए। सो दैट विल बी 2a इनवर्स, अब इसे सीधा लिख देते हैं। सो 2a इनवर्स इज इक्वल टू a माइनस 5i। अब क्या करना है, कोई एडजॉइंट नहीं, कोई डिटर्मिनेंट नहीं, मैट्रिक्स ए की वैल्यू रख देनी है 1 2 3 4, 5 टाइम्स आई जो है वो रखना है 1 0 0 1। टेक्निकली अब हम 5 टाइम्स आई, अब आपको समझ में आएगा भी कि क्यों हमने 5 नहीं लिखा, क्योंकि अगर 5 लिख देते तो फिर माइनस कैसे होता। ठीक है, सो दैट विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 by 2, या वी कैन से इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। माइनस अब सीधा करेंगे 1 माइनस 5 यानी माइनस 4, 2 माइनस 0
3 माइनस 0, 4 माइनस 5, एंड दिस इज नॉट ए इनवर्स, दिस इज 2 ए इनवर्स. सो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 माइनस 4, 2, 3 माइनस 1. ठीक है बच्चों, बुक के अंदर आंसर दिया है उसमें आगे माइनस 2 लिखा हुआ है, तो अंदर साइन आपको अलग मिलेगी. हमारा आंसर 1 अपॉन 2 पॉजिटिव है, तो माइनस 4 एंड माइनस 1 है, ये दोनों पॉजिटिव है. उल्टा दिख रहा है क्योंकि वहां पे उन्होंने माइनस 2 बाहर लिखा हुआ है, तो माइनस साइन की वजह से गड़बड़ नहीं है. टेंशन मत करना, वो भी आंसर सही है. यहां से मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो वो बुक का आंसर हो जाएगा, अगर आपके पास बुक है तो. ठीक है तो बच्चों, ये 2 बाय 2 का प्यारा प्यारा सम था. 3 बाय 3 के भी हमारे पास इसी टाइप के सम्स हैं. आज का सेशन जो है वो वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स का रहेगा. इसके बाद जो बच्चों सम है वो है 45 नंबर है एंड 46 नंबर है, दोनों इसी टाइप के, बट 3 बाय 3 वाले सम है. इक्वेशन प्रूव करने में 3 बाय 3 में थोड़ा टाइम लगेगा, बट इनवर्स में टाइम बचेगा. एडजॉइंट जो लेंथी होता है वो आपको यहाँ पे स्किप करने का मौका मिलता है, मगर कब, जब इक्वेशन प्रूव करना हो तब. ठीक है तो दो सम से बच्चों 45 एंड 46, तो दोनों में से एक सम हम यहाँ पे कर लेते हैं. ठीक है हम कर लेते हैं सम नंबर 46. 45 में आपको होमवर्क में दूंगा, फिर एक दो छोटे मोटे एक्स्ट्रा एग्जांपल्स हैं, एक्स्ट्रा यानी नॉर्मल एग्जांपल्स कुछ है प्रॉपर्टी वाले, उसे भी हम ऑब्जर्व करेंगे आज के सेशन में. और कल लास्ट सेशन होगा, नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट सेशन होगा और हम इस मैट्रिक्स अलजेब्रा को कंप्लीट करेंगे. तो बच्चों 46 नंबर का सम है, उसमें ऐसा ही पार्ट है, खाली यहाँ पे उन्होंने इज इक्वल टू करके 12i3 दिया है, तो उसे आप लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हो. वो हम अभी करेंगे ही, प्रूव करना है, या ऐसे के ऐसे ही रख सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन. लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये पार्ट्स चाहिए. अब थोड़ा सा लेंथ बढ़ेगी क्योंकि हमें क्यूब तक जाना पड़ेगा, तो पहले हम फाइंड करेंगे ए स्क्वायर, फिर हमें फाइंड करना होगा ए क्यूब. ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए इंटू ए, सो मल्टीप्लीकेशन टू इट्सेल्फ, ये काम हमें करना है. ठीक है जब भी क्वेश्चन करते हैं बच्चों, खास क्वेश्चन में देख लेना है, कोई भी साइन में गड़बड़ ना हो. मैं भी चेक कर लेता हूँ आपके सामने कि कोई जगह पे एक आध माइनस रह नहीं गया या एक्स्ट्रा आ जाए, तो अदरवाइज बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. एक साइन की गलती और एग्जाम्पल हमारा गलत हो जाता है. ठीक है मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस वही है जो हम आगे करते आ रहे हैं, रो विथ कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाइज, फर्स्ट विथ फर्स्ट, सेकेंड विथ सेकेंड, थर्ड विथ थर्ड. यानी पहला एलिमेंट हमें मिल गया है 4, फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम 0 इंटू 1 0, 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3, 2 इंटू 1 यानी 2, तो ये मिला हमें माइनस 1, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू माइनस 1 यानी 0 0 एंड माइनस 2. सो ये एलिमेंट हमें मिल रहा है माइनस 2. ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 2 इंटू 0 यानी 0, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, 0 इंटू 1 यानी 0, तो माइनस 6 मिला. सेकेंड कॉलम 2 इंटू 1 यानी 2, माइनस माइनस प्लस 3, 3 इज 9, 0 इंटू 1 यानी 0, 2 इंटू 2 यानी 4, 3 माइनस 3 इंटू 0 यानी 0, 0 इंटू माइनस 1 यानी 0, तो ये हमें मिल रहा है 11 और ये हमें मिल रहा है 4. तो मल्टीप्लीकेशन की प्रोसेस रिपीट हो रही है अभी हमारे लिए, रिविजन हो रहा है. फर्स्ट एलिमेंट 0, सेकेंड विथ सेकेंड यानी 2, थर्ड विथ थर्ड यानी माइनस 1 है, तो सीधा ही लिख देते हैं हम उसे माइनस, तो प्लस 1 मिलेगा. 1 इंटू 1 यानी 1, माइनस 3 माइनस 1 यानी माइनस 1, 1 कैंसल, अल्टीमेटली इट इज माइनस 3. ठीक है लास्ट कॉलम 1 इंटू 2 यानी 2, 1 इंटू 0 यानी 0, माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हमें मिल रहा है 3. तो ये रेडी हो गया बच्चों हमारा मैट्रिक्स ए स्क्वायर. प्रूव करने वाला पार्ट थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि क्यूब तक जाना है हमें. अब ए क्यूब के लिए क्या करेंगे, तो ए क्यूब इज नथिंग बट ए स्क्वायर इंटू ए. ए स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 माइनस 1 माइनस 2. ठीक है माइनस 6 11 4 1 माइनस 3 3 के साथ ए मल्टीप्लाई करना है हमें. ए यानी 0 1 2 2 माइनस 3 0 1 1 एंड माइनस 1. ठीक है मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस पूरा वही है बच्चों, कोई चेंज यहाँ पे नहीं है. थोड़ा सा सावधानी से काम करना पड़ता है जब मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे, एंड वो भी अगर ऑर्डर 3 बाय 3 वाला हो तो खास. ठीक है सो काम क्या है, तो रो विथ कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट 0, सेकेंड विथ सेकेंड ध्यान से, थर्ड विथ थर्ड यानी माइनस 2. तो हमें हमारा ए क्यूब का पहला एलिमेंट है बच्चों वो मिल रहा है माइनस 4.
ठीक है। तो अब सेकेंड कॉलम पे जाते हैं, 4 into 1 यानी 4, सेकेंड विथ सेकेंड माइनस माइनस प्लस 3, थर्ड विथ थर्ड यानी माइनस 2, 4 + 3 7, 7 - 2 यानी 5, ठीक है। सेकेंड रोल लास्ट एलिमेंट बाकी है, 4 into 2 यानी 8, सेकेंड एलिमेंट 0, माइनस माइनस प्लस 2 यानी ये होगा 10। पहली रो का काम हो चुका है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, -6 into 0 11 into 2 यानी 22, थर्ड एलिमेंट यानी 4, सो 22 + 4 यानी 26 होगा। सेकेंड कॉलम लेते हैं, -6 into 1 -6, 11 into 3 यानी -33, 4 into 1 यानी +4 होगा, सो ये हमें मिलेगा -35, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट कॉलम से थर्ड कॉलम से -12 होगा, 11 into 0 यानी 0 होगा, 4 into -1 यानी 4 होगा यानी -16, ठीक है। तो एलिमेंट्स हमारे दूसरी रो के खास चेक कर लेना है, लग रहा है कुछ भी गड़बड़ तो ठीक है, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। जब एलिमेंट्स बड़े हो तब साइन का खास ख्याल रखना पड़ता है। ओके, रेडी हो चुका है, सो वी आर डन। लास्ट रो ले लेते हैं, 1 into 0 -3 into 2 यानी -6, 3 ones are 3 तो ये हमें मिलेगा -3। सेकेंड कॉलम 1 into 1 यानी 1, -+9, 3 into 1 यानी 3, 9 + 1 10 + 1 3 यानी 13। लास्ट कॉलम 2 into 1 यानी 2, -3 into 0 यानी 0, 3 into -1 यानी -3 तो ये हमें मिलेगा -1। तो ए क्यूब भी रेडी हो चुका है बच्चों, अब हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जैसा दिया है वैसा ही रखते हैं, हम प्रूव करने वाला पार्ट है इसलिए, ठीक है। तो ये हमें आंसर लाना है बच्चों, 12i3 यानी i3 स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3x3, 3 नहीं लिखा होता तो भी हम i3 ही लेते, 111 3x3 में, ठीक है। तो हमें आंसर लाना है 12000012000012, चेक करते हैं क्या वो आंसर हमें मिलेगा। तो बस वही तो काम है हमारा इस पार्ट में, चेक कर लेते हैं, ठीक है। सभी पहले मैट्राइसिस को रखते हुए 4a², ठीक है, वैल्यू खास ध्यान से रखना है। सो -4, 5, 10 पहले में कोई चेंज नहीं होगा, अब 4 मल्टीप्लाई करेंगे, फोर से मल्टीप्लाई करना है, तो प्रूव करने वाले हिस्से में जाते हैं हम आगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस नहीं है प्लस है, तो कहीं पे भी ध्यान रखना है, गड़बड़ होती है तो फीलिंग भी आनी चाहिए, समझ में आएगा, क्यों समझ में आया मुझे, ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए 12 और यहाँ पे अगर ये माइनस होता तो ये गड़बड़ हो जाती, ठीक है। तो टैली कर सकते हो आप प्रूव करने वाले सम्स में, सो नॉर्मल पार्ट है, -4 + 16 - 0 यानी अब आप देख सकते हो ये हो जाएगा 12, ठीक है। अदरवाइज ये माइनस होता तो -20 होता, सो उस वजह से पता चला कि शायद कहीं पे लिखने में गड़बड़ हुई है, तो ऐसे सम्स में आपको चांस मिलता है, अदरवाइज ध्यान रखना है साइन का बच्चों। सो दिस इज 5 प्लस माइनस है, मैं सीधा माइनस लिख देता हूँ, इट्स ओके, हम सीधा नहीं लिखते तो भी, -4 एंड लास्ट में -1, सो दैट विल बी एग्जैक्टली 0, 10 माइनस 8 होगा एंड -2 दैट विल बी ऑलवेज 0, सो 16 प्लस -24 -2 तो नेचुरली ये भी हमें मिलेगा 0, देन -35 प्लस 44 -3 है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 44 प्लस 3 होगा 47 -35 यानी 12 मिलेगा,
लास्ट कॉलम के लिए लास्ट एलिमेंट थोड़ा सा जगह करते हुए मैं लिखता हूं ताकि आपको समझ में इजीली आ जाए। ओके, अब ठीक है। थोड़ा लास्ट एलिमेंट के लिए -16 +16 -0, तो ये 0 मिलना निश्चित है। -3 +4 -1, सो दिस इज ऑल्सो 0। 13 प्लस -12 एंड -1, सो 13 -13 0। -1 प्लस 12 माइनस -1 माइनस, ये प्लस 1 -1 कैंसिल होगा यानी 12 मिलेगा, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 12i3 हम कह सकते हैं, विच इज इक्वल टू, अब इसे आपको प्रूव करना पड़ेगा तो मैं एक स्टेप और कर लेता हूँ। 12 यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ बाहर उसे, तो क्या एग्जैक्ट व्यू मिले, ठीक है 001। सो दिस इज इक्वल टू 12i3 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम आधे सम तक तो पहुंच चुके हैं, यानी अब हम कह सकते हैं a³ - 4a² - a = 12i3। तो ये हमने आधा हिस्सा कंप्लीट कर दिया। प्रूव करने वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि क्यूब तक जाना है और साइन में ध्यान रखना है जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब जो है वो आगे का पार्ट है, उसमें जो इन्वर्जन वाला हिस्सा था वो करना है हमें, इन्वर्स फाइंड करना है। तो आगे का हिस्सा है बच्चों जिसमें हमें ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो ये जो दो मैट्राइसिस की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैंने लिखा हुआ है, आपके पास तो होगा ही। तो सबसे पहला काम करना है दोनों साइड अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड्स, फिर तो प्रोसेस वही होने वाली है जो हम आगे भी कर चुके हैं बच्चों। सो दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स, लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करते हैं, ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लीकेशन यूज होता है मैट्रिक सिस्टम के अंदर, ये आपको याद रखना है बच्चों। सो अब मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स इंटू ए क्यूब, 4 के साथ अंदर मैं लिखूंगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इनवर्स इंटू ए, 12 आगे लिखा जाता है ए इनवर्स इंटू आई 3 होगा, एंड एज वी नो ए इनवर्स इंटू आई यानी होता है हमेशा ए इनवर्स, तो ये पहला रिजल्ट यूज होगा। यहाँ पे एक ए हमें लिखना है इनवर्स के साथ, 3 में से एक ए निकल गया, आई मीन ए इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब के दो हिस्से। सिमिलरली ए स्क्वायर का भी एक ए लिखेंगे ताकि हम उसे बाद में आई लिख पाए, एंड लास्ट में बच्चों ए इनवर्स इंटू ए तो ग्रुप में है ही, सो अल्टीमेटली हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू आई 3 या आई इज सिंपली ए इनवर्स। अब जो दूसरा पार्ट है ए इनवर्स इंटू है उसको हम आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखने वाले हैं बच्चों। तो दिस इज आई इंटू ए स्क्वायर, 4 इंटू आई ए स्क्वायर माइनस ओनली आई दैट इज 12 ए इनवर्स। तो लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ए इनवर्स इंटू ए यानी आई। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पे जो है एक ए लिखना पड़ेगा बच्चों, ए इंटू ए यानी ए इनवर्स। यहाँ पे जो आई के साथ मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे सिंपली रीजन में नहीं लिखोगे तो चलेगा, दिस विल बी ए स्क्वायर, दिस विल बी 4 इंटू ए माइनस आई। तो हमारा इक्वेशन रेडी हो चुका है, यानी आप सीधा लिख देते हैं 12 ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4 ए माइनस आई। तो ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स इसीलिए मैंने रेडी रखा हुआ है साइड में, क्योंकि मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया है पूरा बोर्ड, क्लियर करके रखा हुआ है ताकि क्लियर व्यू मिले। 4 टाइम्स ए मैट्राइसिस है बच्चों, उसमें ध्यान रखना है साइंस का, साइन गलत करते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, तो वही आपको संभाल के काम करना है, ठीक है आगे भी मैंने कहा था। सो ये जो मैट्रिक्स है, अब चले जाते हैं यहाँ पे इनवर्स हमें चाहिए, दिस इज 12 इनवर्स, ध्यान रखना है पहले मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा, 4 -1 -2 -6 11 4 1 -3 3। अब 4 से मल्टीप्लाई करना है हर जगह पे, 0 होगा 4 8, 4 का टेबल तो आपको आता ही है, लास्ट में कोई चेंज नहीं है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो फाइनली अब हम सीधा एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, एंड कीप इन माइंड दैट दिस इज नॉट इनवर्स, दिस इज 12 ए इनवर्स, जल्दी जल्दी में 12 रह जाता है और लास्ट में आपका मार्क्स कट जाता है। सो 4 प्लस 0 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 0 देन माइनस 2 प्लस 8 माइनस 0 माइनस 6 प्लस 8 माइनस 0 11 प्लस माइनस 12 माइनस 1 4 प्लस 0 माइनस 0
वन प्लस फोर माइनस ज़ीरो, माइनस थ्री प्लस फोर माइनस ज़ीरो, थ्री प्लस माइनस फोर माइनस वन. सो ये जो है हमें मिल रहा है थ्री थ्री सिक्स, एट माइनस सिक्स यानी टू, इलेवन माइनस थर्टीन यानी दैट विल बी माइनस टू, फोर दिस इज फाइव वन, थ्री माइनस फाइव यानी होगा माइनस टू. तो ये मिल गया हमें हमारा ट्वेल्व ए इनवर्स. तो इनवर्स के लिए खाली करना क्या है बच्चों, वन अपॉन ट्वेल्व कर देंगे, बाकी तो हमारा मैट्रिक्स रेडी है. थोड़ा फ़ायदा ये भी है कि आपको एडजॉइंट नहीं ढूंढना पड़ता, उसकी लेंथ जो है एडजॉइंट की वो कम हो जाती है. बट एट द सेम टाइम बच्चों आपको ये इक्वेशन वाला हिस्सा जो है वो प्रूव भी करना पड़ता है. तो ओवरऑल देखने जाए तो दोनों ही मेथड से लेंथ तो सम की उतनी ही होती है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का पार्ट आपके लिए रेडी होता है, जबकि वहाँ पे जो है बच्चों आपको एडजॉइंट की प्रोसेस करनी पड़ती है. ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था, पूछा गया है मगर ज़्यादा बार नहीं पूछा, कभी कभी आ जाता है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी बच्चों. तो इससे रिलेटेड आपको होमवर्क में सम करना है बच्चों, इलस्ट्रेशन भी एक हमारे पास अवेलेबल है ऐसा. तो होमवर्क में बच्चों आज के सेशन में आपको करना क्या है, एक सम मैं आपको देने वाला हूँ, इसके पहले वाला 45 नंबर, एंड इलस्ट्रेशन जो है इसके जैसा सेम इलस्ट्रेशन अवेलेबल है बुक के अंदर, वो भी आपको करने का मौका ज़रूर मिलेगा. इलस्ट्रेशन नंबर 21 है, पेज नंबर 96 पे, तो वो आप इजीली कर पाओगे. ठीक है, तो सेशन को लंबा ना करते हुए इसे हम आज एंड करेंगे. अभी नेक्स्ट टाइम जो है जब आपको प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सम्स दिए जाते हैं, मैट्राइसिस भी नहीं इक्वेशंस भी नहीं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है उससे रिलेटेड एक सम देखेंगे, एंड इनवर्स को भी हम कैसे ढूंढते हैं बाय कन्वर्टिंग एनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम इनटू मैथमेटिकल फॉर्म, और फिर यही प्रोसेस वो हमें लास्ट सेशन में देखना है. ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं. रेडी करो काम, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बट वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीड. ठीक है, तो यहाँ तक रखेंगे. जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर. प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस.